हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग लाइफस्टाइल। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में, किस तरीके से आप होम रेमेडी को यूज करके, जो रेमेडी मैं यूज करती हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको यूज करके किस तरीके से आप अपने डार्क सर्कल्स को हटा सकते हैं, बिल्कुल वैनिश कर सकते हैं, जैसे कि कभी थे ही नहीं। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे डार्क सर्कल्स बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट कभी आते भी नहीं, क्योंकि मैं ये रेमेडी हमेशा यूज करती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ वो रेमेडी क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप अपने आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं उनको किस तरीके से हटा सकते हैं और क्या क्या रेमेडी अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आज मैं आपको दो रेमेडी बताने वाली हूँ, लेकिन पर्सनली मैं सिर्फ एक ही रेमेडी इस्तेमाल करती हूँ, दूसरी में मुझे थोड़ा झंझट लगता है तो मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जो फर्स्ट रेमेडी है वो तो काफी ज्यादा इजी ब्रीजी है, तो मैं आसानी से उसको यूज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको दूसरी रेमेडी बताऊंगी, फिर मैं आपको फर्स्ट रेमेडी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, रेमेडी नंबर टू है जो कि मैं कभी कभी यूज करती हूँ, वो है आलू जो पोटैटो होता है, आपको बताइए वो पिगमेंटेशन हटाने के लिए कितना अच्छा होता है। जितने भी आपके बॉडी पे इनफैक्ट पिगमेंटेड एरिया है, जो भी आपकी बॉडी का स्किन का, आप उस पर अगर पोटैटो को घिस के उसका जो रस होता है वो आप लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आप उसको वॉश कर लेते हैं, तो उससे आपके स्किन के जितने भी पिगमेंटेड एरियाज हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये काफी ज्यादा लंबा प्रोसीजर होता है और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा टायरिंग भी है, कि पहले आलू को घिसना पड़ता है फिर उसको लगाना पड़ता है। तो मैं आपको जो दूसरी टिप बताने जा रही हूँ वो है सबसे ज्यादा आसान, जो कि मैं खुद यूज करती हूँ और जिससे कि मेरे डार्क सर्कल्स कभी नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी पुराने से पुराने डार्क सर्कल्स हैं वो विद इन 2 to 3 months या मैक्सिमम 4 months में ठीक हो जाएंगे अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी है, जैसे कि आपने मेरी पानी पीने वाली वीडियो में देखी होगी, अगर आपने मेरी वीडियो, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पानी पीने से पहले आपको अपने मुंह में जो सलाइवा होता है वो अपनी आईज में लगाना होता है। मैंने आई केयर रूटीन में भी आपको ये बात बताई थी कि ये जो सलाइवा होता है इसमें कितनी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये आप मान के चलिए ये हमारे लिए अमृत के समान है, जिसको हम स्पिट कर देते हैं, जिसको हम फेंक देते हैं, जिसको हमें कभी नहीं फेंकना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं सुबह अपने आईज में सलाइवा लगाती हूँ, मैं उसी टाइम पे सुबह उठते ही आईज में सलाइवा लगाने के बाद अपने यहाँ पर आईज के नीचे डार्क सर्कल वाले एरिया पे भी सलाइवा लगाती हूँ, जिससे कि, और 1 से 2 मिनट के लिए आपको वहां पे रब करना होता है, मसाज करनी होती है, ताकि आपके जो डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल वैनिश हो जाएं। वैसे तो मेरे डार्क सर्कल्स हैं नहीं, तो मुझे ज्यादा रब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं जस्ट 30 to 40 seconds ही मसाज करती हूँ और उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद उसको मैं वॉश ऑफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह उठ के अपना सलाइवा आपको आईज के नीचे लगाना है, और हो सके तो आईज में भी लगाइए। अगर आपकी आईज ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएंगी, और अगर आपकी आईज ठीक है तो और भी ज्यादा अच्छी रहेंगी और आगे आने वाले समय में भी वो बहुत अच्छी बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी अच्छी चीज हो उसे शेयर जरूर करना चाहिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।